सकती हूँ। बोले क्यों? बोले जो तुम्हारे हाथ में गड़ा है वो मेरे तक का है। अगर मैंने तुम्हारा गड़ा छुआ ना तो मेरा भी गर्व नष्ट हो जाएगा, इसलिए मैं नहीं छू सकती हूँ। हरिचंद बोले कैसी बात कर रही हो? तनी की सहारो दे के तारी अपनी, अरे चल की भरी सकती हूँ। अगर मैंने तुम्हारा गड़ा छुआ तो मेरा तो धर्म नष्ट हो जाएगा, इसलिए उपाय बता रही हूँ। गर्दन तक जल में घुस जाओ, आराम से गड़ा उठ जाएगा। रानी तारा बोली, महाराज अब आप इसी तरीके से गड़ा उठा लीजिए। हरिचंद बोले, जाओ तारा, अब ये गड़ा तुम पर नहीं उठवाएंगे। रानी तारा वहां से चली गई। महाराज हरिचंद ने वो घड़ा तो उठा लिया। कालू मेहतर के दरवाजे पर घड़ा फूट गया। कालू मेहतर कहने लगा, ओए हरिया, इतने घड़े रोज रोज से फोड़ेगा, इतने घड़े कहां से लाऊंगा मैं? क्या भोजन नहीं करता है? दुकानदार के पास में जाकर के देखा, हरिचंद ने 26 दिन भोजन नहीं किया। कालू मेहतर कहने लगा, बारे हरिया, तूने मेरी ऐसे ही सेवा की, जा तेरा धर्म नष्ट नहीं करेंगे, ले ये लाठी और मरगट की रखवारी करना। आज हरिचंद मरगट की रखवारी करने लगे हैं। और जब हरिचंद मरगट की रखवारी करने लगे, इधर एक दिन पूर्णमासी का दिन था। हरिचंद तो मरगट की रखवारी कर रहे, इधर पूर्णमासी का दिन था। तो पंडित जी बोले हैं, बिटिया तारा अपने बच्चे से कह दो फूलबाग से पूजा के लिए फूल तोड़ करके ले आए। तो रानी तारा ने रोहित को बुलाया और कहा, सुनो मेरे लाल। रोहित बोले, कहिए माँ। तो तारा समझाने लगी है कुमार कि बेटा मेरी बात सुनकर छोटे से रोहित ने हाथ में छपर लिया और फूल तोड़ने के लिए चले कि मात की बात ने उलट लिया तन में
कुमारी चलो चले जा रहे हैं। मात की मात में विश्वामित्र एक बड़े से फूल में छिप करके बैठ गए और जैसे